स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल गुप्ता है। आई एम अ रिलेशनशिप एंड इमोशनल एम्पावरमेंट कोच। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अजम्पशंस के ऊपर कि अजम्पशन किस तरीके से किसी रिलेशनशिप के लिए खतरनाक हो सकता है। एक लेडी की मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि उनका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ख़राब चल रहा है। हस्बैंड पहले बहुत सपोर्टिव थे, हेल्प करते थे, घर के काम में भी हाथ बटा देते थे, बच्चों को भी रखते थे, एंड ही यूज़ टू बिहेव इन ए वेरी नाइस वे। शी वॉज़ वेरी हैप्पी विद हर हस्बैंड, बट नाउ द सिचुएशन हैज़ कम्प्लीटली ऑल्टर्ड। अब हस्बैंड सपोर्ट भी नहीं देते, कहीं जाना होता है तो भी मन नहीं होता उनका, बच्चों को भी अनमने मन से रखते हैं, कभी मना भी कर देते हैं। तो शी कैन सी द बिहेवियर ऑफ द हस्बैंड हैज़ चेंज ड्रास्टिकली। तो अब वो कह रही है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे ठीक करूं इसको। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो मैंने कहा पता करने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। सो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। तो मैंने कहा कि ऐसा ये कब से हुआ स्टार्ट। तो उन्होंने बताया कि मुझे शक हुआ कि पड़ोसन के साथ इनका कुछ अफेयर चल रहा है और उस पड़ोसन का घर पे आना जाना काफ़ी रहता था। और मैंने जाके ब्लंटली उनके सामने बोल दिया क्या चल रहा है आपका उनके साथ। बस उस दिन से मामला ख़राब हो गया। उसके बाद तो हमारी बहुत सारी लड़ाई हुई और आज सिचुएशन ये हो गई। अच्छा ठीक है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्यों आपको लगा कि उनका अफेयर चल रहा है। तो कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते 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 लेडी ने मुझे बताया कि उनके घर पे चोरी हो गई थी एंड शी डिड नॉट नो कि किसने की, पर इनका शक गया पड़ोसन पे। कोई प्रूफ नहीं था कि पड़ोसन ने चोरी की, पर शक चला गया। अब आप जानते हैं शक कैसी चीज होती है, यानी ये अजम्पशन था। एक नेगेटिव इमेज पड़ोसन की तुरंत बना ली कि ये पड़ोसन तो ठीक नहीं है। अब उसके बाद देखा कि पड़ोसन घर पे तो आती थी और एक दो बार हस्बैंड को हंसते हुए बात करते देख लिया। तो क्या हुआ, अरे जरूर इनका कुछ चल रहा है। और फिर मनगढ़ंत कहानी भी अपने दिमाग में बनाना शुरू की कि जब भी वो पड़ोसन या उनकी फैमिली के साथ कहीं जाना होता है, कहीं कोई पिकनिक पे या कोई मूवी देखने, तो हस्बैंड हमेशा तैयार रहते हैं। कहीं और जाना होता है तो बहाने बना देते हैं। तो शक गहराता चला गया थोड़े टाइम में और एक दिन जाके बम फोड़ दिया, बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा। मुझे जड़ समझ में आई कि कहीं कोई प्रूफ ना होने के बावजूद भी उन्होंने ये मान लिया था कि वो पड़ोसन चोर है और उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। और मैंने जितनी भी इंक्वायरी की कहीं से कोई प्रूफ नहीं मिला कि या तो अफेयर चल रहा हो, ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, और ना ही प्रूफ था कि वो चोर है। कैसे, बस और कोई आता जाता नहीं था, से पड़ोसन आती थी उसे पता था। अरे भाई ये क्या बात हुई, आपने देखा नहीं, आपने कुछ किया, आपको श्योरिटी है ही नहीं, पर आपने एक मनगढ़ंत कहानी बना ली अपने दिमाग में और उस पर भी हस्बैंड से पूछा कुछ नहीं या क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं की, जाके सीधा बम फोड़ दिया, बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा पड़ोसन के साथ। वाह जी वाह। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शक का कीड़ा, जस्ट अजम्पशन, कैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप और धीरे धीरे हो सकता है तलाक की नौबत भी चली जाए, हु नोस। तो मेरा सिर्फ बहुत सिंपल सुझाव था उनके लिए, पहले अपने इस शक के कीड़े को दिमाग से निकालिए, क्योंकि ना आपके पास प्रूफ है और ना ऐसा कुछ हुआ है। दूसरा, यू शुड बी सॉरी टू योर हस्बैंड फॉर नॉट ट्रस्टिंग हिम, बिकॉज उनका बिहेवियर चेंज ही इसलिए हुआ कि उन्हें लगता है आपको उन पे ट्रस्ट ही नहीं है। उन्होंने कुछ किया या नहीं किया आपने पता करने की कोशिश नहीं की, जाके बम फोड़ दिया। तो बस इतना करेंगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी धीरे धीरे। उन्हें बात समझ में आ गई और धीरे 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 उनका रिलेशनशिप सुधर भी गया। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तिल का ताड़ ना बनाएं, अपनी मर्जी से कुछ भी अजम्पशन करके जो प्रॉब्लम बहुत हल्के में सॉल्व हो सकती है उसको इतना बड़ा
ना बनाएं, क्योंकि उससे मिलता जुलता कुछ नहीं है और जो प्रॉब्लम होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। थैंक यू।